आप बहुत बदल गए हैं अमित। क्या बदल गया? ठीक से बात ही नहीं करते, हर वक्त नाराज रहते हैं। पता है, दिल की बात करने को तरस गई हूँ आपसे। तो तुम क्या चाहती हो? ये चाहती हो कि मैं हर वक्त हंसता और खेलता रहूं? किस किस्म की माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा बीमार पड़ा हूं, मेरा बेटा, और इस हालत में वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम चाहती हो कि मैं हंसता खेलता रहूं? किसी काम में मेरा दिल ही नहीं लगता। मैं ऑफिस जाता हूं तब मुझे अपने बेटे की टेंशन होती है, मैं यहां घर आता हूं, मैं इसे देखता हूं, मुझे और ज्यादा टेंशन होती है। And you expect me to laugh around and joke as if nothing has happened? ऐसा क्या कह दिया मैंने? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? मधु, प्लीज जब तक ज़ायद नहीं ठीक हो जाता ना, मेरे से किसी किस्म की कोई फजूल बात ना करना। बाबा जान, मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। अब बेटा चली जाना, पहले नाश्ता तो कर लो, आ जाओ। नहीं बाबा जान, मुझे भूख नहीं है, और नाजिम भाई भी इंतजार कर रहे होंगे ना बाहर, मैं निकलती हूँ। अच्छा फिर वो नाजिम तो छुट्टी पर गया हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। छुट्टी पर गए हुए तो आपको तो मेरा कॉलेज बहुत दूर पड़ेगा, मैं खुद ही चली जाती हूँ। नहीं बेटा, इतना तो मैं कर सकता हूँ, आओ। नहीं बाबा जान, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। मेरे होते हुए कैब में क्यों जाओगी? बाबा जान मुझे प्लीज जाने दे, मुझे इन सहारों का आदि नहीं बनाए। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कल को आप सोचे कि आपकी बेटी आप पर बोझ बन गई है। बेटा तुमने ये कैसे सोच लिया कि बेटियां माँ बाप के लिए बोझ होती हैं? मुझे जाने दे बाबा जान, अगर आपने मुझे आदत ना डाली होती ना, कल मैं उस समीर का सहारा नहीं लेती और जैन खामखा तमाशा नहीं करता मेरे पास आके। जैन ने तुमसे भी कुछ कहा? मैंने कॉल की थी उसे, और इसलिए कॉल नहीं की थी मैंने कि मैं उसे सफाइयां पेश करूं, बल्कि मैंने उसे ये बताने के लिए कॉल किया था कि मुझसे सवाल जवाब करने का हक वो खो चुका, और ये कि मैं उसे बुला ले रही हूँ।